सो हे भाई लोग, तो आपके सामने मैं एक इंक्यूबेटर का ट्रेलर लेके आ चुका हूँ। तो भाई लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा ट्रेलर है। और भाई लोग आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा इंक्यूबेटर, नेक्स्ट इंक्यूबेटर दिखाए जा रहे होंगे। बट भाई लोग आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ, वो जो इंक्यूबेटर है वो 200% कन्फर्म हो चुका है कि वही आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा इंक्यूबेटर हमारे जो कन्फर्म हो रहे हैं, उन सभी का फैक्ट बताऊँगा। ठीक भाई लोग, तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट इंक्यूबेटर है वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले भाई लोग मैं बता दूँ कि हमारे फ्री फायर में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बंडल्स कन्फर्म हो रहे हैं कि ये इंक्यूबेटर में आने वाला है। और भाई लोग, और हमें क्रिमिनल बंडल्स भी शो हो रहे हैं कि हमें ये जो क्रिमिनल बंडल सभी इंक्यूबेटर में देखने को मिलेंगे। बट भाई लोग, क्या सच में हमें नेक्स्ट इंक्यूबेटर में सभी क्रिमिनल बंडल देखने को मिलेंगे या फिर कुछ और इफेक्ट है? तो भाई लोग टेंशन मत लो, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रीज़न है और हमें देखने को मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो भाई लोग अभी देख लो, हमारे इंक्यूबेटर में ये इंक्यूबेटर चल रहा है और साथ में भाई लोग काफ़ी ज़्यादा कम घंटे बचे हैं इस इंक्यूबेटर को। देख सकते हो भाई लोग, 16 घंटे बचे हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग, मुझे काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनके काफ़ी कमेंट रहे थे। भाई मैं बताऊं कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रहे हैं इंक्यूबेटर की कौन सा में आने वाला है। तो भाई लोग, कई बार मुझे क्वेश्चन भी आए कि ये जो क्रिमिनल बंडल्स है ये इंक्यूबेटर में आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई लोग, इन सभी की मिस्ट्री आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो भाई लोग वीडियो में बने रहें। और भाई लोग, एक इंटरेस्टेड चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते, हमने स्क्रीन पर शो कर दिया, ये जो ग्रेनेड की स्किन है, देख सकते हो भाई लोग, हर ग्रेनेड की स्किन आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई लोग, ये जो ग्रेनेड की स्किन है आपको जल्दी हमारे फ्री फायर में देखने को मिलेगी। और भाई लोग, मैं आपको बता दूँ कि ये 100 डायमंड्स से नीचे में सभी ये जो स्किन है ग्रैंड की, ये सभी आपको 100 से नीचे डायमंड में देखने को मिलेगी। और इनके देख सकते हो भाई लोग, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनिमेशन बनाए गए हैं। ये भाई लोग देख सकते हो, 4-5 ग्रैंड है और जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। भाई लोग देख सकते हो, ये जो कितना ज़्यादा कमाल का, इसमें डायमंड शेड्स निकल रही हैं और डायमंड की ये बन रही है। उसके बाद भाई लोग देख सकते हो, ये जो भाई लोग, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो भाई लोग डरो मत, बस जस्ट वो कार्टून था। और भाई लोग देख सकते हो, कितना ज़्यादा कमाल कमाल के हमें ग्रेंड देखने को मिल चुके हैं। तो भाई लोग, इन सभी ग्रेंड में से आपको कौन सी ग्रेंड सबसे अच्छी लगी और हमारे फ्री फायर में आने वाले इन सभी में से कौन सी आप निकालने वाले हो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दो। वैसे तो भाई लोग, मुझे सभी ग्रेंड अच्छे लगे, तो भाई लोग मैं सभी निकालने वाला हूँ। अब चलिए भाई लोग, मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो कौन सा नेक्स्ट इंक्यूबेटर आने वाला है। तो भाई लोग देख सकते हो, शो कर दिया, ये जो गन की स्किन है ये हमें 95% कन्फर्म हो चुकी है कि ये हमें देखने को मिलने वाली नेक्स्ट इंक्यूबेटर में। और भाई लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा इनका लुक होने वाला है इंक्यूबेटर में आने के बाद। बट भाई लोग, एक और मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ जो आगे वीडियो में बताऊँगा कि एक और इंक्यूबेटर है और साथ में काफ़ी ज़्यादा कमाल है वो। और भाई लोग, वो भी जो बताऊँ वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म हो चुका है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक भाई लोग, कि वो आ सकता है। बट भाई लोग, इस वीडियो का लास्ट तक बता दूंगा कि इन दोनों में से कौन कौन से आने वाले हैं। तो भाई लोग, अभी तो आपने ये देख लिया और भाई लोग अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगला कौन सा आने वाला है। उससे पहले भाई लोग, एक भाई का मुझे कमेंट आया था, उस भाई का कमेंट मैं आपको सॉल्व कर दूं कि भाई लोग, कई भाई कमेंट आया था कि भाई बताओ कि आप जो इंक्यूबेटर बताते हो वो सच होता है। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो को अपने वॉच लेटर बॉक्स में सेव करके रख लो, जब आएगा तो आप मैच चेक कर लेना। ठीक भाई लोग, तो भाई लोग देख सकते हो, ये जो बंडल है ये रेड कलर का, रुको जरा सबर करो। तो भाई लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा एनिमेशन है इसका। और भाई लोग, इसमें काफ़ी ज़्यादा बंडल्स है। बट भाई लोग, इस वीडियो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए भाई लोग इस वीडियो में 2 बंडल्स को आपके सामने रिव्यू करूँगा। और भाई लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा है, ठीक है लोग, रेड कलर में कुछ ऐसा है। और भाई लोग देख सकते हो, इसके हर हेयर, पैंट और बूट्स, इसमें सबसे ज़्यादा कमाल की बात मुझे ये लगी, जो इसके हेयर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और भाई लोग, इस बंडल का एनिमेशन भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई लोग, इस बंडल में आपको कौन सी चीज़ खास लगी, और दूसरा भी देख लो, आपके आंखों के सामने शो कर रहा हूँ। ये जो है कुछ ऐसा इसका एनिमेशन, ये जो शार्क के ऊपर की स्केटबोर्ड जैसे स्लाइड मार के आता है। और भाई लोग देख लो, कुछ ऐसा इसका एनिमेशन है इस बंडल का। और भाई लोग देख सकते हो, ये बंडल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। और भाई लोग, इस बंडल में मुझे भी बाल भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगे। तो भाई लोग, इस बंडल में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, मुझे नीचे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। तो भाई लोग, ये जो 2 बंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक भाई लोग, ये भी कन्फर्म हो रहे हैं कि हमें नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल में देखने को मिलेंगे। ठीक भाई लोग, तो भाई लोग मैं आपको बता दूँ, ये जो बंडल है ये 98% कन्फर्म हो चुका है। वैसे तो ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि ये हमें नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल में देखने को मिल सकता है। बट भाई लोग, उसके भी 95% चांस है। ठीक भाई लोग, तभी कुछ कह नहीं सकते। तो भाई लोग, वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये जो बंडल है, ये जो बंडल अभी मैंने 2 आपको दिखाया, तो यही हमें नेक्स्ट इंक्यूबेटर में बंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, हमें कौन से बंडल देखने को मिल सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खाली है। तो भाई लोग फटाफट से मुझे नीचे कमेंट कर दो। और भाई लोग, अभी तक वीडियो देख रहे
हो और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, इसलिए भेजिए को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है लोग, तो ऐसी न्यू अपडेट हमारे चैनल पर आते रहेंगे इस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अगली वीडियो देखने जरूर आना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।